नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा स्पेशल पारिजातक बनाएंगे, जो कि 56 भोगों में से एक है। यह एक महाप्रसाद है, तो चलिए सीखते हैं पारिजातक कैसे बनाते हैं। पारिजातक बनाने के लिए हमें पहले एक मसाला बनाना होगा। मसाला के लिए मैंने लिया है 2 बड़े इलायची और 5 से 6 लौंग। इसे हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। बड़ी इलायची के बीज को निकाल लेते हैं और लौंग के साथ इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। इसके छिलका को हम हटा देंगे। इसी मसालों से ही पारिजातक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए, मैंने मसालों को पीस लिया है। अब हम पारिजातक बनाने के लिए आटा लगाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूँ का आटा। अब हम इसमें पीसा हुआ मसाला डालेंगे। 1 बड़ी चम्मच देसी घी डालेंगे और 4 बड़ी चम्मच छेना डालेंगे। अगर आपके पास छेना नहीं है तो आप पनीर को ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसमें दही ऐड कर देते हैं। दही ऐड करके इसे हमें गूंद लेना है। पारिजातक के डो बनाते वक्त आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कीजिए, बस हमें दही का यूज करना है और दही से ही गूंदना है। देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इस डो से छोटी छोटी लोइयां लेके छोटा छोटा गोला बना लेंगे और इसमें चपटा करके इस तरह से बना लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें सारी पारिजातक को बना लेना है। देखिए, इसी तरह मैंने सारी पारिजातक को बना लिया है। अब हम घी गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देसी घी को गर्म कर लिया है, क्योंकि हम प्रसाद बना रहे हैं इसीलिए हम देसी घी का यूज कर रहे हैं। आंच को एकदम धीमी रखें और पारिजातक को घी में डालें। देखिए, मैं पारिजातक को 2 बेज में तलूँगी। धीमी आँच में पारिजातकों को तलें ताकि अंदर तक पारिजातक अच्छी तरह से सीख जाए। देखिए, उलट पुलट करके अच्छी तरह से दोनों साइड ब्राउन होने तक पारिजातकों को तलेंगे। देखिए, पारिजातक में अच्छा सा कलर आ गया है, दोनों साइड बढ़िया से सीख चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और 2nd बेज को भी फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने सारी पारिजातकों को फ्राई कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। मैंने लिया है 1/4 कप शुगर यानी कि चीनी। इसमें हम डालेंगे लगभग 4 से 5 चम्मच पानी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। एक मोटा चाशनी बनने तक इसे चलाते रहें। देखिए, चाशनी बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब हम पारिजातक को डाल देंगे। अच्छी तरह से पारिजातकों को शुगर सिरप से कोट होने तक मिलाते रहिए। कंटिन्यूसली चलाते रहे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। देखिए, धीरे धीरे चीनी क्रिस्टलाइज हो रहा है और पारिजातकों के ऊपर चीनी का एक कोटिंग लग रहा है। बहुत ही बढ़िया पारिजातक बनके रेडी है। आप इस रथ यात्रा इसे बनाइए और महाप्रभु श्री जगन्नाथ को भोग लगाइए। आपके पारिजातक कैसा बना कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।